कहूँगा कि बहुत ही कम लोग देखे हैं इसे। हमारी फिर दोस्ती बढ़ती गई, फिर हम उन्होंने वो मेरे पास आए और अपने बेटे को लेके अक्षय खन्ना को कि इसे एक्टर बनाना है हमने, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी एज ए डायरेक्टर, तो तब मैंने अक्षय खन्ना को ताल में लिया था। तो ताल में लेने के बाद फिर उसके बाद हमारा आना जाना और अच्छा हो गया और वो मेरे एडमायरर हो गए, मैं उनका एडमायरर हो गया, तो दोस्ती बढ़ती गई। तो दोस्ताने में मैंने देखा कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं किसी, और मुझे आज बहुत दुख होता है उनकी वो तस्वीर देख के कि क्या ईश्वर ऐसा भी कर सकता है। ये हमें सबको सीखना है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना कितना जरूरी था, क्योंकि वो सबके लिए काम करते थे, सबके साथ सहानुभूति रखते थे। मैं उनके साथ, एक इलेक्शन था उनका गुरदासपुर में, मैं गया था उनके साथ, एक बार लेके गए थे मुझे, और हम जैसे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से बात करते थे तो मुझे लगता था कि उनके अंदर देशभक्ति जो है वो जेन्युइन है। पैसे कमाने का उनका कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि पैसा तो था उनके पास, शौहरत भी थी। तो कहने लगे, सुभाष देखो, मैं पहली बार मैं शहर में बड़ा हूँ, लेकिन पहली बार मैं इन गरीब लोगों को और जब मैं रूरल लोगों को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वाकई हिंदुस्तान कहाँ रहता है। ये मुझे अक्सर कहा करते थे, और हमें बहुत कुछ करना है और इनके लिए कुछ करते नहीं है, हम सब आते हैं, भाषण दे देते हैं और एक ऑफिसर को बोलते हैं भैया तू ध्यान रख लेना, और फिर चले जाते हैं। ये मुझे कहा करते थे। तो मुझे उनके जो विचार थे वो बहुत सुंदर थे अपनी